to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पे और आप जुड़ चुके हैं चंदन भास्कर के साथ। कहा जाता है बच्चों कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा कोई तर्क, क्योंकि आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 पे और मैं चंदन भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फटाफट सभी लोग आ जाए, फटाफट सभी लोग आ जाए मेरे भाई। कैसे आज हम लोग पढ़ेंगे रसगुल्ला मेथड से टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए हमारा बस एक ही सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट सीख लो, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। कॉन्सेप्ट आपके अंदर होगी तभी आप चीजों को फास्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे कि कहता क्या है कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी उसी काम को वाई दिन में करता है। अब आपसे पूछ देगा बताओ दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ठीक है भाई मेरे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। दूसरी बातें करें कि सर ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को एक्स दिन में करता है, अगर ए अकेले उस काम को बाई दिन में करता है तो बताओ बी अकेले कितने में करेगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका एक्स वाई अपॉन बाई माइनस एक्स दिन में करेगा। ठीक है बच्चों, तीसरी बातें हैं कि ए और बी के इफिशियंसी में यदि एक्स रेशियो बाई का अनुपात है, ए और बी के इफिशियंसी में यदि एक्स रेशियो बाई का अनुपात है तो इसके द्वारा लगा समय टाइम जो होगा वो इसके इनवर्स रेशियो के बराबर होगा, यानी बाई रेशियो एक्स के बराबर होगा। देखो भैया, कैपेसिटी ज्यादा है आपकी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। कैपेसिटी कम है भैया तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कैपेसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कैपेसिटी होता है। अगर हम और आप एक साथ किसी काम को कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, अगर आपकी क्षमता हमसे ज़्यादा है तो आप हमसे पहले काम कर लेंगे, अगर आपकी क्षमता हमसे कम है तो हमसे बाद में काम आपका कंप्लीट होगा, है ना। तो कैपेसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। कैपेसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम होता है। अब हम यहाँ पे एक बातें और करेंगे कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता मेरे भैया और बी उसी काम को वाई दिन में करता है और सी उसी काम को जेड दिन में करता है। अगर हम आपसे पूछे बताओ भैया तीनों मिलके कितने में करेंगे, तो आप कहोगे सर ए एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन में करेंगे। अब आप कहोगे सर इतनी फार्मूले जो आपने लिखवाए हैं क्या सारे को रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, किसी को रटने की जरूरत नहीं है। बस आपके पापा पूछेंगे कि कहाँ पढ़ाए हुआ बेटा, तो उनके लिए है ये कि आप उनको दिखा दीजिए कि देखिए पापा ये पढ़ाई हुआ है, कहीं कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, रसगुल्ले बनाने हैं, रसगुल्ले खिलाने हैं और कोई काम नहीं करने हैं। ठीक है मेरे भैया, तो आप देखो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता मेरे भाई, कहता क्या है कि ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखना ध्यान से, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा। सबसे पहले बच्चों हम लोग करते क्या हैं कि 6 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर एलसीएम हो जाएंगे 18। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हो गया कितना भाई मेरे 18। ये 18 क्या आएगा सर, ये 18 आएगा टोटल वर्क टारगेट। क्या आएगा भैया, टोटल वर्क टारगेट, टोटल वर्क टारगेट,
कि भैया 18 बोतल पीना है, क्या करना है बच्चों, 18 रसगुल्ला बनाना है या 18 रसगुल्ला खाना है, 18 बोतल पीना है। ए बोला कि हम 6 दिन में पी जाएंगे, भैया मेरे ए बोला कि हम 6 दिन में पी जाएंगे, 18 बोतल पीना है, किस रेट से पिएगा, तो 6 * 18 3 के रेट से पिएगा। बी बोला कि हम 9 दिन में पी जाएंगे, 18 बोतल पीना है, किस रेट से पिएगा, तो 2 के रेट से पिएगा। अब दोनों एक साथ पीना चालू कर देते हैं, दोनों एक साथ पीना चालू कर देते हैं, तो ए पीता 3 बोतल सर, बी पीता 2 बोतल, दोनों मिलके कितना बोतल पियेंगे, 5 बोतल पियेंगे, और ये 18 बोतल पीने में कितना दिन लग जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 * 15 बच गया 3, 3.6 डेज लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएगा, तो 3.6 डेज लग जाएगा। ये आपके सवाल का क्या बन जाएगा बच्चों, उत्तर बन जाएगा। क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सभी लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्या इशू है ना, एक बार क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है भाई, और इसको कोशिश करिए आप लोग बनाने का, कोशिश करिए बनाने का, बनेगा, कोशिश करिए बनाने का, बनेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहता है भाई मेरे, कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी 120 दिनों में करते हैं, और ए प्लस सी 90 दिनों में करते हैं, बताओ तीनों मिलके कितने में करेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी। अब आप कहोगे कैसे बना दिए गुरुजी, तो आप देखो कॉमन सेंस लगाना, ए प्लस बी दोनों मिलके 72 में कर रहा है, और जब सी को शामिल करेंगे तो और कम दिन लगेगा, तो 72 से कम हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो सी है, बस आंसर हो गया, आंसर हो गया, पानी पानी हो गया सवाल, तो समझना कैसे है। कहता है भाई मेरे कि ए प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करता है, बी प्लस सी उसी काम को कितने में करता है, 120 दिनों में करता है, और सी प्लस ए उस काम को कितने दिनों में करता है, 90 दिनों में करता है। सबसे पहले बच्चों इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, 72, 90 और 120 का एलसीएम। आप कहोगे सर एलसीएम हो जाएंगे 360, एलसीएम कितने हो जाएंगे 360, 360 बोतल पीने हैं सर, कितने बोतल पीने हैं भैया मेरे, 360 बोतल पीने हैं। ए प्लस बी बोलता 72 दिन में पी जाएंगे, 360 बोतल पीना है, किस रेट से पिएगा, आप कहोगे सर 72 * 360 5 के रेट से। ये किस रेट से पिएगा, तो आप कहोगे 120 * 360 3 के रेट से। ये किस रेट से पिएगा, तो आप कहोगे सर 4 के रेट से पिएगा। ऐसा करो सर सबको पिलवाओ एक ही साथ, है ना, सबको पिलवाओ एक ही साथ, तो आप कहोगे सर ए पी रहा है, ए की कैपेसिटी सर 2 बार है, बी की कैपेसिटी 2 बार है, और सी की कैपेसिटी भी 2 बार है। आप कहोगे 2 * a + b + c, 2 * a + b + c कितने बोतल पीते हैं, आप कहोगे सर 5 * 3 = 8 = 4 = 12 बोतल पीते हैं। 2 * a + b + c अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ दिए, तो a आपका 2 बार, b आपका 2 बार, c आपका 2 बार, और 2 * a + b + c कितने बोतल पी रहे हैं, तो 12 बोतल पी रहे हैं। तो छुच्छे a प्लस बी प्लस सी कितने पियेंगे, तो आप कहोगे सर 6 बोतल पियेंगे। और ये 360 बोतल पीने में, 360 बोतल पीने में a प्लस बी प्लस सी कितना समय लेगा, तो 360 * कितना हो जाएगा भैया, 6 यानी कितना दिन लेगा भाई मेरे, 60 दिन लेगा। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, उत्तर हो जाएगा। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइएगा, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, एनीबडी अगर कोई इशू है तो बताइएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है श्रीमान, अगला सवाल क्या कहता है कि वर्किंग इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4। बोला पी और क्यू के कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। देखिएगा पी और क्यू के वर्किंग इफिशियंसी, इफिशियंसी की जो रेशियो है वो क्या है, 3:4 है। तो पूछा है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात,
तो आप कहोगे सर इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? टाइम होता है। इफिशियंसी का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सर? 4:3 हो जाएगा। टाइम का अनुपात क्या बनेगा सर? 4:3। और ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इफिशियंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर? टाइम होता है। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखिए। कहता क्या है कि तीन पुरुष या चार महिला कैन रीप ऑफ फील्ड इन 43 डेज। कहता है तीन पुरुष या चार महिला किसी खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, तो 7 पुरुष 7 पुरुष एंड 5 महिला उस खेत को कितने दिनों में काट लेंगे? तो देखो भैया, शादी विवाह होते देखे होंगे, अभी मौसम भी चल रहा है शादी विवाह का, और शादी विवाह होता है ना सर, तो एक लड़की देखने का रस्म होता है कि लड़की देखा जाएगा, अच्छी रहेगी तो शादी होगी, नहीं अच्छी रहेगी तो शादी नहीं होगी, अच्छी रहेगी तो शादी होगी, नहीं अच्छी रहेगी तो शादी नहीं होगी, ये चीज़ें होती है। अब जैसे मान लो कि पटना का हनुमान मंदिर फिक्स हो गया कि यहाँ पे लड़की देखा जाएगा, कौन कौन आता है? लड़की वालों को अरेंजमेंट करना होता है, लड़की वाले लोग पहले पहुँचते हैं। कौन कौन आ गए? तो 3 पुरुष आ गए, 4 महिला आ गई, और ये जो 43 दिन है, 43 दिन जो है वो आपका क्या है? अगुआ है। ये जो 43 दिन है भाई मेरे, वो क्या है सर? अगुआ है। अगुआ समझते हो? मीडिएटर, जो दोनों पक्षों को क्या करता है? मिलाता है। अब होता क्या है ना कि जब तक लड़के वाले पक्ष नहीं आते, जब तक लड़के वाले पक्ष नहीं आते हैं, ये सभी आपस में बहुत घुले मिले रहते हैं, ये सभी आपस में घुले मिले रहते हैं। 3 × 4 × 43, ये अगुआ भी क्या रहता है मेरे भैया? घुला मिला रहता है। अगुआ भी क्या रहता है सर? घुला मिला रहता है। और लड़के सभी लोग एक झुंड बना के बैठ जाएंगे और लड़की को मोटिवेट करते रहते हैं, देखो ऐसे पूछेगा तो वैसे बोलना, दिस पूछेगा तो दैट बोलना, ज़्यादा दांत मत चियारना, वगैरह वगैरह चीज़ें चलते रहती है। इंतजार किसका रहता है? लड़के वाले का। कौन कौन आए लड़के वाले तरफ से? तो 7 पुरुष और 5 महिला। जैसे ही नीचे से लड़का वाला आता है, 7 पुरुष और 5 महिला, जैसे नीचे से लड़का वाला आता है, लड़की देखना एक बहाना होता है। जैसे नीचे से लड़का वाला आता है ना सर, यहाँ का पुरुष यहाँ के महिला को देखता है। अब 3 पुरुष 5 महिला को देखा, 3 × 5 कितना हो गया सर? 3 × 5 हो गया 15। अब यहाँ का पुरुष अपनी बीवी को नहीं समझाता है, यहाँ का पुरुष अपनी बीवी को नहीं समझाता, कहता खून का बदला खून और बीवी का बदला बीवी। यहाँ का पुरुष सर यहाँ के महिला को देखता है। अब 7 पुरुष 4 महिला को देखेगा, 9 से 9 मिला 9 हुआ 4, 7 × 4 कितना हो गया सर? 28। 7 × 4 कितना हो गया सर? 28। और 9 से 9 मिला 9 हुआ 4, जोड़ के काटिएगा, छूछे मत काटिएगा, 28 × 15 = 43 का 43 कट गया, और 4 × 3 = 12 दिन आपके सवाल का क्या हो गया सर? उत्तर हो गया। 4 × 3 = 12 दिन भैया मेरे आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो आप देखिए, हमारे कहने का मतलब है ये सब जो तरीके हैं, ये आपको हंसते खेलते आप यहाँ पे सवाल को सीखते चलेंगे, आपको मैथ्स बर्डन नहीं लगेगा, आपको मैथ्स भैया बर्डन नहीं लगेगा। हर सवाल के लिए अलग अलग, मतलब कहने का मतलब है ना, ये ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाले जाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश ANM की वैकेंसी आ गई है, है ना, ANM की वैकेंसी आ गई है मेरे भैया, है ना, उत्तर प्रदेश ANM की वैकेंसी है भैया। उत्तर प्रदेश की भी वैकेंसी है, बिहार की भी वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की है ना। तो हेल्थ ऑफिसर CHO का वैकेंसी है भैया मेरे, तो इसकी जो ये, इसके लिए आपका एक बैच क्रिएट हो रहा है, बैच बहुत तगड़ी बैच आ रही है, जिसमें हम तो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं सर, ये रीजनिंग के महागुरु हैं, ये GS के महागुरु हैं, और ये टेक्निकल के महागुरु हैं, है ना, तो ये टेक्निकल के महागुरु हैं। तो इसकी बैच 1 से 3 में आ रही है, 1 से 3 में आ रही है मेरे भाई। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑफिशियल साइट पर विजिट करें, देखें क्या क्राइटेरिया है इस बैच की, है ना, क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें खोजी जा रही है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं इस बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको करना क्या है, www.adda247.com पे जाना है, adda247.com पे जाना है, और वहां पे जाके अपना सर्च करना है उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर,
उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बैच, आपको वहां पे बैच दिख जाएगी, आपको वहां पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह की बैच आपको दिख जाएगी जो कि बाइलिंगुअल चलेगी। मैथ आपका आ जाएगा सर, उसमें मैथ आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीएस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, है ना। तो यदि आप चाहते हैं इस बैच से जुड़ना तो आप चले जाइए www.ada247.com पे और वहां पे आप जाइएगा और अपने भाई का कोड लगाइएगा 22317। पैसे के लिए टेंशन ना लेना, ये जो डिस्काउंट कूपन है 22317 आपको लगाना है और वहां पे मिलेगा आपको फ्लैट 77% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा बच्चों? 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा 22317 आपको कोड लगाना है, ठीक है। क्या करना है? www.adda247.com पे जाइएगा, सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बैच और वहां पे ये बैच सामने आएगी। आप देखेंगे कि वहां पे बहुत बड़ी फीस लिखी रहेगी, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और आपसे डिस्काउंट की कूपन मांगी जाएगी, तो आप वहां पे डिस्काउंट कूपन लगा देना 22317, डिस्काउंट कूपन लगा देना 22317, आपको मिलेगा फ्लैट 77% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा भाई मेरे? फ्लैट 77% का डिस्काउंट। यदि आप हैं इच्छुक या आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसे जानकार आपके मित्र हैं, तो उनको सजेस्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी ये बैच 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो एकदम कमर कस लें आप लोग, है ना।